नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिंह, आन्या टैक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं एक ऐसा मॉड्यूल लेके आ रहा हूँ कि मोस्टली कंपनियों में दोस्तों ये रिक्वायरमेंट है। दोस्तों अगर आप CA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या फाइनेंस हेड हैं, या अकाउंट्स हेड हैं, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा इशू होता है दोस्तों कि आफ्टर ऑडिट चेंजेस हो जाते हैं डेटा ट्रांजेक्शन के अंदर, या रिटर्न आपने सेंड कर दी या रिटर्न बना ली, कंप्लीट कर दी, वो 2 डेज या 3 डेज के बाद फोन चेंजेस कर दिया, वो कोई आपके पास वो चीज़ें का सोल्यूशन नहीं है। ये कैसे हम उसको लॉक करें कोई भी ट्रांजेक्शन का आफ्टर ऑडिट या आफ्टर ट्रांजेक्शन आफ्टर रिटर्न के बाद, कि दोस्तों कोई भी उस रिटर्न को चेंज ना कर पाए चीज़ें। इस चीज़ को प्रॉब्लम को देखते हुए दोस्तों हमने ये सोल्यूशन बनाया है कि आप कभी भी अगर आप फाइनेंस हेड हैं या CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप लोग दोस्तों आप कभी भी रिटर्न कंप्लीट हो गया, अगर आपने रिटर्न भर दी, तो आप उस पर्टिकुलर रिटर्न को आप लॉक कर सकते हैं पीरियड वाइज, या आप डे बुक अगर आप ऑडिट कर लिया है आपने इस क्वार्टर का, तो उस क्वार्टर को पूरा डेट सेलेक्ट करके आप उसको लॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी सॉल्यूशन इस मॉड्यूल में दिया गया है दोस्तों, किस तरीके से लॉक किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ें इसमें अनलॉक होंगी दोस्तों, ये सारी मैं आपको इसमें प्राइम के अंदर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दिखाने से पहले दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि जैसे भी कोई लेटेस्ट मॉड्यूल्स या वीडियो आने का सब LLP की आए तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ गया। चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों कि टैली प्राइम के अंदर कैसे ये मॉड्यूल वर्क करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए टैली प्राइम ओपन कर दिया हूँ, गेटवे ऑफ टैली, इस तरीके का आपको लुक दिखेगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक मॉड्यूल अपलोड कर दिया है, यहाँ फाइल के अंदर यहाँ पे एड ऑन में अपलोड कर दिया, ट्रांजेक्शन लॉक करके ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैंने लॉक करने के बाद यहाँ पे इनेबल कर दिया। दोस्तों ये आपको खास इसमें चीज़ें हैं कि आप अगर एडमिनिस्ट्रेटर हैं वही आपको ये इनेबल कर सकते हैं, इसका डिसेबल का ऑप्शन किसी भी यूजर को राइट्स नहीं है, इसमें खास फीचर ये ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो आप यहाँ पे मैंने यस कर दिया, यस करने के बाद दोस्तों स्किप कर दिया, स्किप करके मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले GST रिपोर्ट। GST रिपोर्ट में मैं एक ले लेता हूँ, GSTR1 ले लेता हूँ। GSTR1 में दोस्तों मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये ओल्ड कंपनी है, 1/4/17 ले लेता हूँ, 30/9/17। पर्टिकुलर इस पीरियड की मैंने यहाँ पे आपको यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए रिटर्न्स आ गए हैं दोस्तों इस तरीके से GSTR1। अब मेरा GSTR1 अगर मेरा ये कंप्लीट हो गया, मैंने जो भी चेंजेस करने थे चेंजेस कर दिए हैं, अब मुझे इसको फ्रीज करना है, लॉक करना है, कि जैसे कोई भी एंट्री को चेंजेस ना कर सके आफ्टर मेरे रेडी करने के बाद या ऑडिट करने के बाद। अगर मेरा ऑडिट हो गया इस क्वार्टर का, इस मंथ का, पर्टिकुलर आप पीरियड सेलेक्ट कर लो, उस पीरियड का सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए B2B इनवॉइस आ गया, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ एंटर करने के बाद देखिए पूरी ट्रांजेक्शन आपको शो हो रही है। यहाँ पे दोस्तों देखिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, लॉक ट्रांजेक्शन, अनलॉक ट्रांजेक्शन। ये केवल एडमिन को ऑप्शन दिया जाएगा, यूजर को कोई राइट्स नहीं होगा इस चीज़ों को करने के लिए। अभी आप देखिए लॉक नहीं किया है, तो मैं अगर एंटर करता हूँ तो चीज़ें यहाँ पे ओपन हो जाती हैं, लेकिन लॉक करने के बाद आपको केवल डिस्प्ले होगा दोस्तों, कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते इसके अंदर। मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे स्किप किया, यहाँ पे आपको कंट्रोल स्पेस दबाना है, ये एक साथ सारे सेलेक्ट हो गए हैं दोस्तों इसमें। अब यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे लॉक ट्रांजेक्शन कर दीजिए, ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ये सारे वाउचर्स को लॉक कर देगा दोस्तों। तो ये देखिए प्रोसेस हो रहा है लॉकिंग का, यहाँ पे ये प्रोसेस होके ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया दोस्तों। अब मैं इस ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया। अब एक यूजर ओपन करता है कि क्या ये चीज़ें अल्टर होती हैं, तो मैं यहाँ पे अल्ट के करके दोस्तों यहाँ पे शट कंपनी, यहाँ पे अगेन एंटर। अब मैं यूजर से ओपन करता हूँ, एडमिन से नहीं है ये, यूजर ए ये यूजर मैंने एक बना रखा है। अब मैं यूजर के अंदर जाता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, यहाँ पे GST रिपोर्ट, GSTR1, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1/4/17 से 30/9/17 मैंने पीरियड ले रखा था। क्या इसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, मैं अभी एंटर करके चेक कर लेता हूं दोस्तों। यहां पे ट्रांजेक्शन आ गया दोस्तों, यहां पे B2B में देखिए मैंने वहां पे लॉक कर रखे हैं। यहां पे एंटर करेंगे दोस्तों, एंटर करते देखिए यहां पे पहली बात तो इस मॉड्यूल्स में लॉक अनलॉक का ऑप्शन यूजर्स को नहीं दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक देख सकते हैं, यहाँ हाइड ऑप्शन,
और एंट्री की चीज़ें कि मैंने लॉक कर दी, क्या मैं ये यूजर एंट्री को चेंजेस कर सकता है। एंटर कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन लॉक, मतलब ये एंट्री लॉक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मॉड्यूल्स, ये एवरी कंपनी में जहाँ मल्टी यूजर यूज हो रहा है, जहाँ पे फाइनेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जहाँ पे ऑडिट हो रही हैं चीज़ें डेटाबेस को, या जहाँ GSTR लॉक, जहाँ पे GSTR रिटर्न्स भरती थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है दोस्तों। रिटर्न के बाद भी लोग बैक डेट में एंट्री चेंजेस कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही बड़ी इशू होती है को ढूंढने में कि क्या इशू, किसने चेंजेस कर दिया। तो आप इस प्रॉब्लम को इस मॉड्यूल के थ्रू आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, कोई चेंजेस नहीं कर सकता यहाँ पे कोई भी एंट्री में। मैं अगर इसमें भी एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन लॉक, ये मुझे किसी भी कर्सर पे जाने ही नहीं देगा। केवल आप डिस्प्ले करिए, प्रिंट करिए, एक्सपोर्ट करिए, लेकिन आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पे मैं बैक करके यूजर्स पे, अब मैं एडमिन से ओपन करता हूँ, ऑल्ट के यहाँ पे शर्ट। अब मैं एडमिन से ओपन कर लेता हूँ इस डेटाबेस को, ADMIN admin। अब यहाँ पे अगेन मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ दोस्तों, GST या GST रिपोर्ट्स, GSTR 1, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करता हूँ, 1/4/17 से 30/9/17। अब यहाँ पे एंटर कर दिया दोस्तों, यहाँ पे अब B2B में जाता हूँ। हो सकता है मैं एडमिन हूँ दोस्तों, कि मैं लॉक करने के बाद अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मुझे अगर चेंजेस करना है तो यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा दिया, इसको पहले ट्रांजेक्शन को अनलॉक कर दूंगा, नहीं तो ये मुझे चेंजेस करने नहीं देगा। अब यहाँ पे अनलॉक कर दिया, अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है, सारी एंट्री को ये अनलॉक मोड पे कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए अनलॉक मोड पे ये प्रोसेस हो रहा है, ये सारे वाउचर्स अनलॉक मोड पे हो रहे हैं, ये सारे अनलॉक होंगे। अब मैं देखिए चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। मैं यूजर से भी चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कि आप सोचोगे कि एडमिन को राइट्स तो हैं, ऑल्ट के शर्ट, USER यूजर ए। अब यहाँ पे डिस्प्ले गया दोस्तों, मैं यहाँ पे GSTR रिपोर्ट, GSTR 1, पीरियड 1/4/17/30/9/17, एंटर। यहाँ पे एंटर, यहाँ पे देखिए मैं अगर एंट्री को एंटर कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों कर्सर मेरा चेंजेस पे आ गया। अब मैं चाहे कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ यहाँ पे, इसमें चाहे एंट्री को, स्टॉक को, कोई भी चेंजेस में अब आपको यूजर्स को राइट्स दे दिया गया। तो ये एडमिन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, एडमिन राइट्स दे रहा है लॉकिंग का, लॉक कर दिया तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अनलॉक कर दिया तो आप चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, आप यहाँ पे B2B या B2C सारी चीज़ों पे आप यहाँ पे एंटर करके चीज़ें, जैसे B2C है यहाँ पे एंटर करके, लेकिन यहाँ पे यूजर्स को राइट्स नहीं दिया जाएगा। मैं पहले भी आपको बता दिया, किसी भी यूजर्स को पूरी वाउचर को लॉकिंग या अनलॉकिंग का ऑप्शन नहीं है, ओनली एडमिन का। मैं अगर एडमिन से ओपन करता हूँ, ऑल्ट के शर्ट, ऑल्ट के एडमिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है दोस्तों। ये एवरी CA फाइनेंस हेड, एवरी कंपनी में रिक्वायरमेंट है कि चीज़ें आफ्टर रिटर्न्स या आफ्टर ऑडिट, इसको पीरियड को, पर्टिकुलर पीरियड को, डेबुक को आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखिए GSTR रिपोर्ट, GSTR 1, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट 1/4/17, यहाँ से आप कोई भी पीरियड मंथ का ले सकते हो, पर्टिकुलर डेज का ले सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 30/9/17, यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट करती है। यहाँ पे जैसे देखिए B2B का जैसे लॉक किया था दोस्तों मैं, यहाँ पे B2C का आप यहाँ पे एंटर करेंगे अगर डेटाबेस है आपको, यहाँ पे ये लॉकिंग का ऑप्शन यहाँ पे भी इसको शो कर जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस नहीं है इसलिए लॉक के ऑप्शन, यहाँ पे देखिए एक ही डेटाबेस है, मैं स्पेस करके यहाँ पे इसको लॉक कर सकता हूँ, लॉक ट्रांजेक्शन, लॉक कर दिया, ये एंट्री लॉक हो गई। इसी तरीके से दोस्तों, अब आपको केवल डेबुक का करना है, अगर GSTR का करने के बाद भी डेबुक का करना है, जैसे डेबुक है यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 22 तारीख की एंट्री जैसे अप्रैल की है, अगर मुझे पूरे अप्रैल की आप पीरियड चेंज कर लो, या जो है पर्टिकुलर डेज की, जैसे यहाँ पे कंट्रोल स्पेस किया, अब मुझे इस एंट्री को अगर लॉक करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए लॉक का ऑप्शन, आप
GSTR की returns तो GSTR 1, 3 भी की तो लॉक कर सकते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों डेबू का भी लॉक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे मंथ का पर्टिकुलर मंथ, अगर इस मंथ अप्रैल जा रहा है, मार्च की पूरे डेबू को मुझे लॉक करना है कि कोई भी चेंजेस ना कर सके, कोई भी चीज़ को आप डिस्प्ले कर सकते हो बट कोई भी चेंजेस एडिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल स्पेस दबाया मैंने, यहाँ पे मैं कर दिया पर्टिकुलर लॉक, इस ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया। अब यहाँ पे मैं यूजर से ओपन करता हूँ ऑल्ट के शर्ट यूजर ए, यहाँ पे डिस्प्ले डेबुक में गया, देखिए 12-22 तारीख की ये सारी एंट्री यूजर्स ने, ये एडमिन ने लॉक कर रखी है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर मुझे चेंजेस करना है, सपोज यहाँ पे देखिए अरीम ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेमेंट की 1000 रुपये की, अब मुझे इसको चेंजेस करना है, यहाँ पे देखिए कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ट्रांजेक्शन लॉक, यहाँ पे केवल पर्टिकुलर पे आपको कंपनी का नाम आ रहा है लेकिन यहाँ पे अमाउंट पे कर्सर ही नहीं जा रहा है दोस्तों, आपका कर्सर ही नहीं जा रहा, बस चेंज। यहाँ पे देखिए सेल में दिया मैं, यहाँ पे देखिए सेल के अंदर तो बिल्कुल चेंजेस ही नहीं कर रखा, पार्टी का नेम भी नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे क्या आ रहा है ट्रांजेक्शन इज लॉक्ड, मतलब आप प्रिंट ले सकती हो दोस्तों, डिस्प्ले कर सकते हो लेकिन चेंजेस नहीं कर सकते। अब मुझे अगर चेंजेस करना है तो मुझे एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी, अब एडमिन को परमिशन देना है तो क्या करना है, ऑल्ट के शर्ट यहाँ पे एडमिन डिस्प्ले डेबुक, यहाँ पे कंट्रोल इस पे, अब इसको कर देना है अनलॉक, ये अनलॉक कर दिया। अब मैं अगर यूजर से ओपन करता हूँ तो मुझे परमिशन मिल गई, शर्ट एडमिन यहाँ पे यूजर से ओपन करना है, USER user A। अब देखिए मैं सेल का यहाँ पे अरीम के में अमेजोन ये सब हैं, अरीम ट्रेडक्स आपको दिखा भी रहा था, यहाँ देखिए सारी एंट्री अब आप चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही गजब का मॉड्यूल्स है, अगर आपकी कंपनी में इस तरीके की प्रॉब्लम इशू आती है कि आफ्टर ऑडिट चेंजेस हो जा रहे हैं, आफ्टर रिटर्न्स के बाद लोग चेंजेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन को चेंजेस कर दे रहे हैं, अगर आप लॉकिंग चाहते हो, लॉकिंग मॉड्यूल ट्रांजेक्शन के मॉड्यूल आपकी रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो दिए हुए नंबर पर आप दोस्तों मुझे कॉल करिए, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। इसका आपको बाय करना है, इसका डेमो देखना है, या डेमो आपको वीडियो में तो मैंने पूरे प्रॉपर तरीके से दिखा दिया है दोस्तों। अगर आपको ट्रायल चाहिए तो मैं ट्रायल आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपकी कंपनी के लिए, आप एक दिन दो दिन आप देख के इसको अगर आपको ओके लगता है देन आप बाय कर लीजिएगा। और आपको ये मॉड्यूल्स अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मॉड्यूल अगर ये सीए के लिए, फाइनेंस हेड के लिए, बड़ी से बड़ी कंपनियों के लिए जहाँ पे मल्टी ईयर यूज हो रहा है उनके लिए बहुत ही काम की है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए और कॉल करिएगा, मैं आपको फ्री डेमो फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मॉड्यूल अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।